हेलो फ्रेंड्स, आज आचार्य हम आपका स्वागत बाद में करेगा, लेकिन पहले ये पूछेगा जरूर उन कैंडिडेट से जो कमेंट में और गूगल में ये खोजते रहते हैं कि 10वीं पास और 12वीं पास वैकेंसी निकली है क्या, स्नातक वाली पोस्ट पब्लिश हुई है क्या। तो यदि आप में दम है और आप सीरियस होकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इस बार SSC वेलकम्स यू, SSC इन्वाइट्स यू, वो भी पूरे 2065 पोस्ट के साथ, नर्सिंग ऑफिसर, केमिस्ट, लैब अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, केयर टेकर, फोटो आर्टिस्ट, फील्ड असिस्टेंट, बॉटनिकल असिस्टेंट, ढेर सारे पोस्ट के साथ। तो आइए देखते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत लंबा है, इसको आप खुद को स्टडी करना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो ये दोस्तों, ये 12 मई को ये पब्लिश हुई थी, नोटिस फॉर फेज 10 2022 सेलेक्शन पोस्ट। दोस्तों इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये रहा, ये मैं पहले से करके रखा हूँ, तो इसमें जो फ्रंट पेज है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें जो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 12 मई से शुरू हो चुकी है और 13 जून 2022 तक चलेगी। ये डेट आपको नोट करना है कि 12 मई 2022 से 13 जून 2022 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का चलेगा, और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त 2022 में होगा। अब हम सीधे आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आई हुई हैं। तो दोस्तों ये पेज नंबर 86 से शुरू होता है, पेज नंबर 86 से शुरू होता है ये, और यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, एज भी देखते चलते हैं, 18 30 18 30 18 30, लेवल 7 मतलब 28,700 का ग्रेड पे। और यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन एंड अबव, जैसे सीनियर रिसर्च असिस्टेंट का है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का है, जूनियर केमिस्ट का है ग्रेजुएशन एंड अबव, एग्रीकल्चर असिस्टेंट का है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का है, फार्मासिस्ट है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, 18 से 25 साल, हायर सेकेंडरी मैक्सिमम एज 18 से 25 साल, 25 साल मैक्सिमम एज है, और हायर सेकेंडरी का क्वालिफिकेशन है। यहाँ आप देखिए कंटिन्यू मैट्रिकुलेशन के अलावा कुछ नहीं मांगा है। ये देखिए आप यहाँ पे ये सारी की सारी पोस्ट जो हैं, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, लेवल 1 है, 18,000 इसकी बेसिक रहेगी। इसी तरह यहाँ देख लेते हैं सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, तो ग्रेजुएशन एंड अबव है, ये केयर टेकर है, हायर सेकेंडरी, 19,000 बेसिक रहेगा। इसी तरह डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, लेवल 6 रहेगा। फोटो आर्टिस्ट है, मैट्रिकुलेशन सिर्फ 10वीं मांग रहा है। बॉटनिकल असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। फिर फील्ड असिस्टेंट है, हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। कितनी सारी पोस्ट आई हुई हैं, बस आप में दमखम होना चाहिए कि हम क्लियर कर लेंगे। फिर अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ मैट्रिकुलेशन, मेडिकल अटेंडेंट, मैट्रिकुलेशन, फिर इधर फार्मासिस्ट, एलोपैथी है, तो ये पूरा का पूरा सर्वेयर है। यहाँ देखिए आप हायर सेकेंडरी, जो टेक्निकल पोस्ट हैं तो नो डाउट उसमें कुछ चाहिए पड़ेगा, आपके पास कुछ टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ देखिए आप, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, हायर सेकेंडरी चलेगा, इसमें और कुछ नहीं चाहिए पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए। तो इतनी सारी पोस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट, ये रही मल्टीटास्किंग स्टाफ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर क्लर्क, हायर सेकेंडरी सिर्फ, स्टोर कीपर, हायर सेकेंडरी। अब जैसे स्टेनो है, तो चूंकि एक टेक्निकल है, इसमें स्टेनो चाहिए पड़ेगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैट्रिकुलेशन, फील्ड असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट में आपको हिंदी आनी चाहिए,
रिसर्च असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन एंड अबव स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, इसमें ग्रेजुएशन एंड अबव, लाइब्रेरी क्लर्क है बाइंडिंग के लिए, मैट्रिकुलेशन, क्या चाहिए, इतनी सारी पोस्ट आई हैं। अब इसमें मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ कि टोटल पोस्ट कितनी है। जोन वाइज दिया हुआ है, कहाँ आपका हेड ऑफिस रहेगा वो दिया हुआ है। यहाँ देखिए, इन्वेस्टिगेटर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ग्रेजुएशन एंड अबव, साइंटिफिक असिस्टेंट है ग्रेजुएशन एंड अबव, मतलब ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, अगर ग्रेजुएशन लिखा है मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कैंटीन अटेंडेंट है, मैट्रिकुलेशन, ये है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो ग्रेजुएशन एंड अबव। यदि आपके पास लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई कोर्स हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो तो और अच्छी बात है। स्टोर कीपर, मैट्रिकुलेशन, ये 169 सीरियल नंबर में, तो बहुत सारी पोस्ट है। यहाँ देखिए आप, कंटिन्यू मैट्रिकुलेशन, 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 क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये मैं पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। और लास्ट में मैं दिखाना चाहूँगा कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो फ्रेंड्स, पूरे जोन वाइज मिला के, जिसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट कम क्लर्क, मेडिकल अटेंडेंट, MTS अटेंडेंट, ये टोटल हो रही हैं 2065 पोस्ट, 2065 पोस्ट, जिसमें से लगभग 915 पोस्ट जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए रहेंगी। बहुत सारी पोस्ट हैं, मैं तो यही कहूँगा आप अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पे इन सारी पोस्ट को देखिए, और जहाँ जहाँ आपकी एलिजिबिलिटी बन रही हो वहाँ वहाँ करिए। बाद में मैं और बताना चाहूँगा कि यदि आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक यूजर आईडी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यूजर नेम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना पड़ेगा जब आप लॉगिन करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ जो अप्लाई का आ रहा है, हाइपर लिंक बना हुआ है, तो यहाँ आपको CGL, CHSL, स्टेनो, JEE, APF, कांस्टेबल, GD, GST से कोई मतलब नहीं है, आप अदर्स में आएंगे, और अदर्स में सबसे नीचे मैंने फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ना, प्लीज़ लॉग इन टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब आपको पहले अपना यहाँ पे एक आईडी बनाना पड़ेगा, आईडी बनाने के बाद ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि किसी भी तरह से कोई भी आपको समस्या जा रही हो, आप बेझिझक हमको कमेंट करें, मुझसे जितना यथासंभव कोशिश हो होगी, जितना मैं बता पाऊंगा मैं श्योर बताऊंगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपका स्वागत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेशन, वैकेंसी से रिलेटेड लेकर मैं नए वीडियो में फिर से आऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।